वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ICMR की गाइडलाइन का पालन कराने के प्रति सख्त हो गया है। प्रशासन की सख्ती के चलते शादियों में अब सिर्फ 100 मेहमानों को बुलाने की इजाजत दी गई है, जिसमें घर की शादी को यादगार बनाने में जुटे परिजनों और दूल्हे के दोस्तों के चेहरे की रौनक गायब सी हो गई है। एक समय था, सब लोग अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की शादी को यादगार बनाने के लिए 15-20 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। पूरी दुनिया में फैलते कोरोना वायरस के संक्रमण ने मनुष्य के जीवन के ऐतिहासिक पल यानी शादी के गवाह बनाने वाले सैकड़ों लोगों की चेहरे की चमक को प्रशासन के एक आदेश ने गायब कर दिया है। बुधवार को देवोत्थान है। पूरे देश भर में यह शादियां का पहला साल है। इधर देश में कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वैश्विक महामारी ने जाते जाते एक बार फिर से करवट ले ली है। महामारी की एक करवट ने पूरे देश भर के करोड़ों लोगों के चेहरे से मुस्कान को छीन लिया है। अपने किसी परिचित या रिश्तेदार की शादी में जाने को बेकरार लोगों के लिए इस बार शादी की दावत खाना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि प्रशासन ने शादी में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह खुद हैरान रह गए। उन लोगों के हैरान होने की बात लाजमी भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में शादी के आयोजक लोगों ने अपने बच्चों की शादी को वर्ष के अंत में करने का निर्णय लिया था, ताकि अपने बच्चों की शादी में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करा सके। लेकिन प्रशासन ने 100 लोगों की अनुमति देते हुए ICMR की गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। मेरे बच्चे की शादी 10 दिसंबर 2020 को तय हुई है, किंतु शासन का ये जो आदेश आया है 100 आदमियों का, इससे बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है। किसको काट तो हमने सबको दे दिया, अब किसको बुलाएं किसको न बुलाएं, समझे साहब? ऐसी स्थिति में जो है बड़ा मुश्किल है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। आपने जितने कार्ड बांटे उन कार्ड कार्ड तो मैंने करीब 250 के करीब कार्ड बांट दिए थे, उसी हिसाब से एडवांस हलवाई को, हाँ एडवांस हलवाई को भी एडवांस दे दिया, डेकोरेशन वाले को भी दे दिया, फोटोग्राफर को भी दे दिया, सभी को एडवांस दे दिया। अच्छा, इस कंडीशन में सरकार से आप कुछ अपेक्षा रखते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ करे? कुछ यही अपेक्षा है कि शादी में कम से कम जो है 200 आदमी जो पहले निर्धारित किए थे उसी को पुनः लागू किया जाए। मेरे विचार से बारे में कहेंगे क्या, वो हम तो पहले ही एडवांस दे चुके हैं लोगों को, 200 लोगों की कही थी मगर अब 100 लोग हो गए, अब सभी को एडवांस पहुंच गया, हमारा तो नुकसान हो गया। 30 नंबर की बेटे की शादी है, क्या मानते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक इच्छा होती है घर में, शादी होती है, हम धूम धड़ाके करेंगे और घर में आने के बाद ये सब नहीं हो पाएगा, इस बारे में क्या कहना? इस बात को लेके हम बहुत परेशान हैं, और अभी नाते रिश्तेदार सबों में शादी के कार्ड बट चुके हैं, अब उन लोगों से भी हम क्या कहेंगे? इच्छा भी तो होती है कि धूम धड़ाके के साथ। हाँ खूब इच्छा थी, लास्ट शादी हमारे यहाँ छोटे बेटे की शादी है तो खूब अच्छी तरह से करेंगे, मगर सब अरमानों पर पानी फिर गया हमारे पर। ये तो हम अपनी स्वयं की इच्छा से कि अधिक भीड़ ना हो, परिवार में डेस्टिनेशन बना रहे, लोग आराम से, स्वच्छता बनी रहे, स्वच्छता से ही सभ्यता रहती है, और चूंकि ऐसा कोरोना का माहौल चल रहा है, ऐसे में हम नहीं चाहते कि हमारे घर से कोई आदमी किसी तरह से भी कोई परेशान होकर के दुखी होकर जाए। हमने अपने परिवार में भोजन की व्यवस्था भी सिर्फ 50 आदमियों की एक बार में की है, कुल 100 आदमियों से अगर एक भी आदमी होगा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, और एक टेबल पे एक जो एक मीटर की है उस पर एक ही आदमी बैठेगा डिस्टेंस, और पूरा सैनिटाइज करके तब हम अपने इसमें एंट्री करेंगे। कहने का मतलब ये ICMR की गाइडलाइन का पालन पूरी तरीके से किया? हम तो शुरू से ही जब से लगा है, हमने कोर्ट जाते अपने आज कभी गए, क्योंकि मालूम है 65 साल से आयु के ऊपर की स्थिति है, तो बेमतलब में अब क्यों हत्या लाए, बेमतलब में क्यों परेशानी खड़ी करें, इसलिए अपने जैसी सरकार की इच्छा है हम उसी हिसाब से अपना काम। ठीक, धन्यवाद। बुधवार को आगरा के बाजारों में भी काफी भीड़ भाड़ नजर आई। कोई देवथान की पूजा के लिए गन्ने खरीद रहा था, तो कोई शादी की तैयारियों के लिए नई ड्रेस और साज सज्जा के सामान खरीदने में जुटा था। बाजार में अधिकांश महिला और बच्चे ही नजर आ रहे थे, जिनमें अधिकांश कोविड-19 नियमों के पालन को दरकिनार करते दिखाई दे रहे थे। वही प्रातः दर्पण की टीम ने कई ऐसे परिवारजनों से बात की जिनके यहाँ आगामी एक सप्ताह के अंदर शादी समारोह होना है। अधिक मेहमानों को बुलाने के लिए
टेंट और केटर्स को दिए गए अधिक एडवांस को लेकर लोग पछतावा कर रहे हैं।